हमारी न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज मैं लेके आया हूँ एक एक्सप्लोर मतलब टूर लेके आया हूँ, जो कि है बॉन्ड एसएमपी सीजन 2। तो भाई लोग, आज आ गया है हमारा बॉन्ड एसएमपी सीजन 2 का टूर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सॉरी गाइस, थोड़ी खांसी हो रही थी। ये देखिए पूरा एक यहाँ का मैप है, ये देखिए इतनी सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। और अब चलिए मैं आपको पहले लेके चलता हूँ अलग अलग कैफे में। सॉरी, वो मेरे से कुछ टूट गया है शायद। ये देखिए स्टॉकिंग जो भी कुछ है, हम इसको, मुझे चिकन देख लेता हूँ मैं। इसके अंदर डायमंड्स डालने पड़ेंगे, डायमंड्स पता नहीं, एमरल्ड। तो मैं दोनों ले लेता हूँ, दोनों डाल देता हूँ। ये रे डायमंड्स, ये रे एमरल्ड्स, मैं दोनों डाल देता हूँ इसके अंदर। ये देखिए मैंने डाल दिया। क्या हुआ? अच्छा, तो एमरल्ड ही डायमंड्स ही लगेंगे। तो चलिए मैं डाल देता हूँ डायमंड्स। और भैया क्यों नहीं रहा यार ये? गाइस सॉरी, अगर मुझसे कुछ गलती हो रही हो तो प्लीज़ मुझको माफ़ करना। तो देखता हूँ मैं अभी क्या चल रहा है यहाँ पर, ये चलता भी है कि नहीं, क्या पता उन्होंने स्टॉक ना भर रखा हो। तो चलिए मैं अपनी दूसरी, मैं इसको पूरे से अच्छे से एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ये देखिए अनानास कैफे, आई एम ईटिंग, ये देखिए लिख रखा है उन्होंने। ये थोड़ी सी टेबल्स हैं, ये देखिए DGS प्राइवेट लगेज, ये टॉयलेट है एक तरह से। और क्या है, बाय गोल्डन कैरेट नाउ, देखिए सारे एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रखी है। ये देखिए बंगार वाला यूटी के शॉप। तो इसके अंदर फैंटम मेम्ब्रेन मिलेंगी। तो ये देखिए फैंटम मेम्ब्रेन सीरी, और इसके अंदर नेम टैग मिलेंगे। नेम टैग ख़त्म हो चुके हैं सारे। इसके अंदर आईओ एंटर पल मिलेंगे, और ये ऐसे ही खा लिए शायद। हाँ ये खा लिए। और अब चलिए हम चलते हैं अपनी गोल्डन कैरेट की शॉप पे। तो गोल्डन कैरेट की शॉप पे मैं चला जाता हूँ जल्दी से। ये देखिए आ गए हम गोल्डन कैरेट की शॉप पे। ये देखिए प्राइस है, ये 1 diamond इज इक्वल टू 1 stack। ये देखिए इन्होंने रख रखा है 1 diamond इज इक्वल टू 1 stack। और ये शायद वो है जहाँ पे कोई मतलब अपना नाम वगैरह लिखना पड़ता है। हाँ ये देखिए सबको अपना यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, जब अगर कोई बाय करेगा तब। देखिए प्राइस ये रहा, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हम जंप, हाँ जंप दूसरी तरफ से कर सकते हैं, हम दूसरी तरफ से जंप कर सकते हैं। ये देखिए एक मिनट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से डायरेक्ट जंप। और ये है हमारी रॉकेट शॉप, जो कि है यहाँ से रॉकेट्स मिलते हैं। यहाँ पे शायद ख़त्म हो रहा है अभी। ख़त्म हो रहा है शायद अभी यहाँ पर, पता नहीं, बस ये लिख रखा है असेशियन रॉकेट शॉप, मतलब ये असेशियन की रॉकेट शॉप है। तो यहाँ पे स्लॉट ख़त्म हुआ है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगली शॉप है हमारी एप्पल शॉप, मैं आपको वहाँ जल्दी जाकर दिखा देता हूँ। देखिए मैं आ गया एप्पल शॉप के अंदर। एप्पल शॉप नहीं कह सकते इसको, मतलब ये ऑलराउंडर शॉप है, खाने पीने की शॉप है ये एक तरह से। देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ है, और ये वीट के लिए है। देखिए वीट है यहाँ पर, कम है काफ़ी ज़्यादा, कोई बात नहीं भर देंगे, मतलब स्टॉक ख़त्म हो रहा होगा। ये देखिए पोटैटोज कितने सारे, ये पता नहीं क्या है, ये सारे यहाँ पे सीड्स है, यहाँ पर सारे खाने पीने की चीज़ें हैं, यहाँ पर बैलेंस वगैरह है। तो चलिए जल्दी से हम दूसरी शॉप पे चलते हैं। ये है ट्राइडेंट शॉप, ये रही ट्राइडेंट शॉप। ये देखिए ये सारो मतलब लिख रखा है यहाँ पे। और ट्राइडेंट कहाँ से मिलेंगे पता नहीं क्या है। अच्छा हाँ ट्राइडेंट इसके अंदर होंगे ना,
पता नहीं मुझको गाइस, अगर आपको पता है तो आप मुझको ज़रूर से बताना कि यहाँ से कैसे मिलेंगे ट्राइडेंट्स वगैरह। इसके अंदर है नहीं गाइस, सॉरी वो मेरे थोड़े मैसेज आ रहे हैं। देखिए एक बड़ा सा फाउंटेन है यहाँ पर, इन्होंने बना के रख रखा है। और ये देखिए ये एक चीज़ है यहाँ पर, मतलब कुछ बनाने वाले थे ये पॉकेट गेमर, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं क्योंकि बॉन्ड एसएमपी सीजन 2 ख़त्म हो गया, मतलब रुक गया अब। और यहाँ देखिए पूरा पैसा दिया ही पॉकेट, कोई बात नहीं चलो। ये है हमारी पोशन शॉप जिसका गेट नहीं है शायद, ये है प्लीज़ रीड द प्राइसेस, पीना हानिकारक है। देखिए एक तरह से उन्होंने कह रखा है पीना हानिकारक है। ये देखिए सारे के सारे यहाँ पोशंस हैं लोगों ने ले रखे हैं। देखिए नाइट विजन, इनविजिबिलिटी और लीपिंग के ये उठ चलने वाले, इनविजिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, वीकनेस के ये रे, स्लो फॉलिंग के ये रे। तो एक तरह से पूरा स्टॉक फुल है, पूरा तो नहीं लेकिन है फुल। और अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी शॉप की तरफ जो कि है DGA की, सॉरी DGA की शायद स्किन शॉप है ये, स्किन शॉप शायद। और हम ये आ गए यहाँ पर, ये पता नहीं क्या है। अच्छा ये स्किन शॉप नहीं है, ये तो वो है सैंड शॉप हाँ सैंड शॉप। अगर हम यहाँ से हमको सैंड मिल सक, सैंड है यहाँ पर, तो मैं नीचे कूद जाता हूँ जल्दी से। मैंने आपको दिखा दिया प्राइसेस क्या है और वो क्या है। और ये देखिए अब हम बढ़ते हैं अगले शॉप की तरफ जो कि है, ये क्या है, अच्छा अंदर को रास्ता है, तो ये है एक तरह की स्लाइम शॉप। हाँ स्लाइम शॉप, देखिए काफ़ी अच्छी, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दे रखा है इन्होंने। जिसकी भी ये शॉप है मुझे पता नहीं है ये किसकी शॉप है, लेकिन जिसकी भी है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दे रखा है, देखिए काफ़ी अच्छा बना रखा है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट शॉप की तरफ जो कि है ज़ॉम्बी द बिल्डर। और ये क्या है, क्लेम, किसने क्लेम कर रखा है पता नहीं है। ये है ज़ॉम्बी द बिल्डर की शॉप, ब्लैक क्लू के ऊपर ज़ॉम्बी द बिल्डर बैठा है। और देखिए ब्लैक क्लू के अंदर घुस गए हम, ये देखिए कितनी अच्छी शॉप है, देखिए मतलब अच्छा अंदर आके अच्छा सा हो जाता है सब कुछ। ये देखिए ये सारा स्टॉक फुल है, देखिए थोड़ी ये वाली कम है, येलो भी फुल है, देखिए सारा स्टॉक फुल है इनका। और मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइजेस क्या है, 1 diamond 2 stack, देखिए कितने ज़्यादा, मतलब कितना तो नहीं कितनी ज़्यादा फूल मिलते हैं, कितना सस्ता है। और बाद में हम चलते हैं अपनी अगली शॉप की तरफ जो कि है, मैं देख लेता हूँ कौन सी में जाना है। हाँ ये देखिए ये स्किन शॉप, मैं आपको बताया था ना स्किन शॉप, ये है स्किन शॉप, तो मैं जल्दी से चला जाता हूँ इसके अंदर। गाइज अगर आपको भी किसी और का ब्लैक क्लू या DGA जिसका भी घर एक्सप्लोर करवाना है आप मुझको ज़रूर से बताना, मैं उसका घर एक्सप्लोर करने जाऊँगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है, आप उसमें सब कुछ बता सकते हैं मुझको। ये देखिए यहाँ पर मैं DGA की शॉप के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हैं। देखिए ये एक तरह का मिरर है, और सॉरी ये टूट गया मेरे से गलती से, कोई बात नहीं। देखिए कुछ है यहाँ पर, और ये देखते हैं क्या है, मास्क 4 diamonds महंगा है काफ़ी, फेशियल 5 diamonds, शर्ट 8 diamonds महंगा है, लेकिन ठीक है चलो। टुडेज डील शता मतलब रोज डील बदलते हैं ये शायद। ये देखिए ये एक तरह का वो है कुर्सी बैठने के लिए, यहाँ पर बैठ के हम अपने बाल कटवा सकते हैं, बाल बुल जो भी कुछ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉप की तरफ, DGA भाई ने भी काफ़ी अच्छी शॉप बना रखी है, ये सब लोगों की शॉप बहुत अच्छी बन रही है, मतलब ऐसा नहीं है किसी ने बहुत बुरी बना रखी है, सबकी बहुत अच्छी शॉप है। जैसे ये देखिए ये है UTK की शॉप, ये है एक तरह से गार्डन बोल रहा हूँ, जो भी उसके अंदर से मिलता है ना, क्या कहते हैं उसको, ओशन मोन्यूमेंट के अंदर से, उस चीज़ों की शॉप है ये। देखिए ये है ये ब्रिक्स, ये है प्रिजबरी, ये है सीलेल्टन, और ये शायद खाली है अभी, हाँ ये खाली। तो उन्होंने इन्होंने भी काफ़ी अच्छी शॉप बना रखी है अंडर वाटर, बाहर से भी अच्छा लुक आता है इसका, मैं एक बार आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये देखिए बाहर से ये शॉप कुछ ऐसी लगती है, काफ़ी अच्छी है,
और अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट शॉप की तरफ, जो कि है शायद ये शलकर शॉप, डीजे शलकर डील्स। अच्छा, ये शॉप नहीं है, ये कोई डील्स की वो है। नीचे जाना पड़ेगा हमको। हाँ, ये देखिए हम नीचे आ गए। और ये क्या है, बनाने क्या है, ये क्या बना के रख रखा है डीजीए ने। तो अब हम ऊपर चलते हैं, पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आया ये कैसे बना, क्या बना रखा है ये। लेकिन डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, बुरी नहीं है, अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। और ये पता नहीं क्या है, ये देखता हूँ मैं इसको ज़रा। क्या है, पर चेस्ट, वेलकम टू माय बिल्डर शॉप। सो गाइस, ये शॉप में आप अपनी बिल्ड बना के, बिल्ड बनाने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। अच्छा, ये अच्छी शॉप है, मतलब इसके अंदर जिसको भी कुछ बिल्ड बनवाना है वो यहाँ पे बता दे क्या क्या बिल्ड बनवाना है। और वो मतलब अच्छी शॉप है ये, मुझे अच्छी लगी। अनदर शॉप अच्छी है। और चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट शॉप की तरफ बढ़ते हैं। मुझे को लगता है ये ज़ॉम्बी द बिल्डर ने ही बनाई है। और ये पता नहीं क्या है, मैं डरावनी लग रही है दूर से तो। अच्छा, डिस्टोन, ओह सॉरी, मैं नीचे गिर गया गाइस। देखिए, ये हम आ गए रेडस्टोन की शॉप के अंदर। हनीज 100 लाइक गिफ्ट, पता नहीं है किसी ने गिफ्ट दे रखा है। इसके अंदर सारा रेडस्टोन का सामान मिल जाता है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉप की तरफ। ये शॉप है कि किसी का घर है, घर जैसा डिज़ाइन लग रहा है ये तो। पता नहीं क्या है ये। अच्छा, ये भी वूल का ही है, वूल का ही है ये भी। और ये भी कुछ है, उसको देख लेता हूँ मैं, ये क्या है, ये बैम्बू शॉप लग रही है मुझको, बैम्बू शॉप। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है शायद। हाँ, कुछ है नहीं अभी यहाँ पे, पता नहीं अंडर कंस्ट्रक्शन है क्या है ये। तो नेक्स्ट शॉप है हमारी बॉन शॉप, वो देखिए सामने वो रही बॉन। मैं जल्दी से बॉन पे चलता हूँ, गेम काफ़ी लैग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शॉप्स बनी हुई है, मतलब गेम में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रखी है और सब लोगों ने प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा कर रखी है ना, इसलिए। देखिए हम आ गए हैं बॉन शॉप के अंदर, अब हम चलते हैं ऊपर। ये देखिए बॉन ब्लॉक्स, और ये है बॉन्ड, एक मिनट, बॉन्ड बॉन्ड लिखना चाहिए था यहाँ पे, बॉन्ड लिख रखा हमने। ये है फ्री एरोस, मतलब जिसको एरोस ये मुफ्त में ले सकता है। और उन्होंने प्राइसेस इसके अंदर लिख रखे होंगे लेक्टर्न के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट शॉप की तरफ बढ़ते हैं। ये है शायद हमारी नेक्स्ट शॉप। हाँ, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, देख सकते हैं आप। देखिए ये अभी पूरी की पूरी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये नहीं बना रहे थे यूटी के, और शायद और कोई भी था। आप मुझे कमेंट में बताना ये कौन था, यूटी के साथ यूटी के था या कोई और था, आप मुझको ज़रूर बताना कमेंट के अंदर। और अब हमारी नेक्स्ट शॉप है, ये इधर है एक शॉप। हाँ, ये शॉप, ये स्टोन शॉप, यहाँ पे सारे स्टोन मिलेंगे आप देख सकते हैं। ये देखिए $1 इज इक्वल टू 1 diamond। देखिए उन्होंने सारा यहाँ पे फिल कर रखा है, ये भी काफ़ी अच्छी शॉप है। और अब चलते हैं नेदर शॉप के अंदर। सॉरी गाइस, ये टूट गया था मेरे से गलती से। देखिए ये भी काफ़ी अच्छी शॉप है, ये है 1 diamond for 1 slot। स्लॉट, अच्छा हाँ स्लॉट, ठीक है। ये देखिए 1 diamond की, ये ख़त्म हो चुके हैं नेदर क्वार्ट्स। अब भाई ये खुला क्यों छोड़ रखा है, कोई नीचे गिर गया यहाँ पे लावा में मरने के लिए तो। और देखिए काफ़ी कम कम सामान है, इसका मतलब थोड़ी ज़्यादा महंगी है, लेकिन अच्छी है शॉप। देखिए बिल्कुल ऐसा, जब इसके अंदर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नेदर के अंदर आ चुके हैं। इसको भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन कर रखा है। ये मुझे पता नहीं है किसकी शॉप है, नहीं तो मैं आपको बता देता किसकी शॉप है।
तो मेरे ख्याल से तो सारी शॉप कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई और शॉप रहती है तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये रह गया एक, ये ए ई पता नहीं क्या है ये। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये क्या है ए ई। और देखिए, पेमेंट ही और एवरी 5 पोर्शन इज इक्वल टू 1 डायमंड, पता नहीं क्या है। और इसके अंदर ये सारे पोर्शन हैं। ये कोई शॉप है, ये क्या है पता नहीं। मैनेजर, ये पता नहीं किसका एग लगा रखा है यहाँ पर। एग कैसे आया सर्वाइवल के अंदर। नीचे भी सारा ऐसा ही है, पता नहीं क्या है ये। हेल्पफुल स्टफ, तो मुझको पता नहीं है ये क्या है। आपको पता हो तो आप मुझको बताना, और आपको जिसका भी बेस एक्सप्लोर करवाना है आप मुझको बताना, मैं उसका बेस जाकर एक्सप्लोर करूँगा। और आप जो भी कुछ कहेंगे मैं वो एक्सप्लोर करूँगा। कोई अगर शॉप अच्छे से ना एक्सप्लोर करिए आप मुझको उसके लिए बताना, मतलब जो भी चीज़ रहेगी आप ज़रूर बताना मुझको। तो आज के वीडियो के लिए एक मिनट की शॉप भी रहेगी, सॉरी गाइस, ये शॉप मैं आपको बताना भूल गया था। देखिए इसका रास्ता कहाँ से है। अच्छा, ये रहा रास्ता इसका, तो मैं जल्दी से ऊपर चढ़ जाता हूँ। ये भी काफ़ी अच्छी है, ट्री शॉप, मतलब ट्री हाउस जैसा बना रखा है, पता नहीं शॉप कैसी होगी। हम यहाँ आ गए अंदर। और ये क्या रास्ता बंद कर रखा है हर जगह से भाई, अंदर तो जाने देते किसी को। और ये देखिए एक फॉक्स है यहाँ पर जिसका नाम है विनोद। हेलो विनोद, ये विनोद डायमंड लेगा। अरे कोई बात नहीं, विनोद अभी बैठा है ऐसे ही, इसको खोल देते हैं, विनोद भी थोड़े घूम लेगा। ये देखिए सो गया विनोद। गाइज, मैं जिसकी भी शॉप का डिस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, सॉरी। मुझे विनोद को बाहर निकालना था बस, और वो मैंने निकाल दिया विनोद को बाहर। ले विनोद डायमंड ले ले। तो चलो, डायमंड मेरे पास आ गए वापस से। ये देखिए इसके अंदर मिलती हैं हमको लकड़ियाँ, इसके अंदर है ये पता नहीं क्या है ये, और इसके अंदर डर्ट। भाई क्या यार, कैसी शॉप बना रखी है, किसने बनाई है। डिज़ाइन तो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, पर अंदर क्या सामान रख रखा है यार ये। तो गाइस चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपको किसी की शॉप का शॉप बोल रहा हूँ घर या शॉप का एक्सप्लोरेशन चाहते हो या उसके फार्म्स वगैरह का, तो आप मुझको बताना और मैं उसको ज़रूर से एक्सप्लोर कर ले जाऊँगा। वैसे भी कमेंट ज़्यादा नहीं आते हैं वीडियो के अंदर, और मैं ज़ॉम्बी द बिल्डर के ऊपर बैठ जाता हूँ, ज़ॉम्बी द बिल्डर के ऊपर मैं, और सबसे नीचे ब्लैक क्लू, फिर उसके बाद ज़ॉम्बी द बिल्डर, फिर उसके बाद मैं। देखिए कितना अच्छा हो गया है, देखिए यहाँ से सारा कुछ दिख रहा है। और अगर आपको किसी और का घर का एक्सप्लोरेशन चाहते हैं या उसके फार्म्स वगैरह का, तो आप मुझको ज़रूर से बताना, मैं आपके लिए ही बैठा हूँ यहाँ पर। और मतलब वैसे भी कमेंट ज़्यादा नहीं आते, तो अगर आप बताएंगे तो मैं आराम से समझ जाऊँगा और ज़रूर एक्सप्लोर करने जाऊँगा। अगर आप लोगों ने कुछ आंसर नहीं दिया तो यार मैं खुद ही एक्सप्लोर कर लूँगा। और तो करते हैं हम वीडियो को एंड। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।